अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लाइफस्टाइल फिटनेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ बहुत जबरदस्त इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ उन तमाम लोगों के लिए जो कहते हैं कि हमसे डाइट नहीं होती, हमसे एक्सरसाइज नहीं होती, लेकिन हमने अपना वजन कम करना है। मुझे पता है हर दूसरे तीसरे दिन ऐसी खवातीन के मैसेज आते हैं कि भाई ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, डाइट नहीं कर सकते, अलग से खाना नहीं बना सकते, हम खाना पका नहीं सकते या डाइट का खाना हम खा नहीं सकते, ऐसा कुछ बता देंगे इन तमाम चीजों के बगैर वजन कम हो जाए। तो आज की वीडियो में मैं आपको फिर से एक बार इस तरह की कुछ टिप्स बताने वाला हूँ, जरा पॉज करने दें, इस तरह की कुछ टिप्स बताने वाला जिससे आपका बगैर डाइट के वजन कम होगा, जिसमें आपको कोई डाइट का खाना नहीं बनाना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस जो कुछ आपके घर में बन रहा है ना उसको सही से खाना पड़ेगा, कुछ में टिप्स पे अमल करना पड़ेगा, इंशाल्लाह ताला आपका 5, 10, 15, 20, 25 किलो भी वजन कम हो जाएगा। किस तरह से होगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, प्रॉपर फॉलो करना पड़ेगा। तो हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं हूं खावर खान, सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और अपनी वीडियो शुरू करते हैं। नॉर्मली मैंने आपको क्या बोला, 21 से 45 हज़ार रुपये का डाइट प्लान डिपेंड कर रहा होता है कि किस तरह का डाइट प्लान है। मैं आपको देने वाला हूँ ना 45 में, ना 21 में, ना 15 में, ना 10 में, सिर्फ और सिर्फ 6,000 में 3 महीने का डाइट प्लान। मैं आपको बताऊँ 2,000 रुपये पर मंथ, 6,000 में पाकिस्तानी हो आप लोगों के लिए, 6,000 में 3 महीने का डाइट प्लान। पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में रहते हैं, नीचे नंबर लिखवा रहे हैं इस पर मुझे मैसेज करेंगे, मैं 6,000 में 3 महीने का डाइट प्लान उन्हें व्हाट्सएप पे दे दूंगा या उनके घर भिजवा दूंगा, डिलीवरी चार्जेस अलग होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताने वाला हूँ जिससे आपका बगैर डाइट के वजन कम होगा, जेनवनली बगैर डाइट के वजन कम होगा। वो टिप्स क्या है, मैं 7-8 टिप्स बताऊंगा। हम 8 से शुरू करके 1 पे जाते हैं और आपने सारी की सारी देखनी है। पहले नंबर 8 सबसे आसान है कि आप दिन में 2 से 3 लीटर पानी पीना शुरू करें, ठीक है। गाड़ी चला रहा हूँ तो आपकी तरफ नहीं देखूँ, अगर सामने देखूँ तो प्लीज़ बुरा ना मनाइएगा, परेशान ना होइएगा, लेकिन वीडियो बनाना भी ज़रूरी थी और टाइम नहीं था तो मैंने सोचा बना दो। दिन में 2 से 3 लीटर पानी पिए और लाजमी है कि हर खाने से पहले 1 गिलास पानी पिए, ठीक है। और लाजमी है कि हर खाने से पहले 1 गिलास पानी पिए, यानी कि 3 से 4 गिलास तो आपका मील से पहले होना चाहिए, बाकी 8 गिलास और होना चाहिए, 8 से 12 गिलास पानी पिए, आपका वजन बहुत तेज़ी से कम होगा, चाहे आप कुछ भी खा रहे हैं, ठीक है। तो इस बात पे लाजमी अमल करें। नंबर 8 की नंबर 7 पे आ जाते हैं। नंबर 7 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 7 ये है कि अपनी डाइट में इस्पागोल का इस्तेमाल करें, कोशिश किया करें सुबह जो आप नाश्ता कर रहे होते हैं ना, तो नाश्ते से पहले 1 चम्मच इस्पागोल 1 गिलास पानी में डाल के पी लें और उसके ऊपर 1/2 गिलास पानी और पी लें। देखिए फिर से पानी का जिक्र आ गया। इस्पागोल में सॉल्युबल फाइबर होता है, आपका वेट तेजी से कम करती है, आपको पूरे दिन में भूख नहीं लगती। नंबर 7 हो गई, अब हम नंबर 6 पे चलते हैं क्विकली। अच्छा, नंबर 6 से आप घर में खाना कुछ भी खा रहे हैं, सिर्फ कोशिश करें कि अपना आटा चेंज कर दें, व्हाइट आटा इस्तेमाल ना करें, व्हाइट आटे की जगह मल्टीग्रेन आटा या चक्की का आटा या जौ का आटा इस्तेमाल करें, आटा अपने लिए अलग से गूंद लें, जो रोटी बन रही है वो रोटी बना लें। ये एक इतना इम्पैक्टफुल, इतनी इम्पैक्टफुल टिप है ना कि सिर्फ इसको अमल करके आप सालन साथ में जो भी खा रहे हैं ना, आपका वजन कम होना शुरू हो जाएगा। नंबर 6 है। नंबर 5 पे चलते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 5 क्या है जी, नंबर 5 ये है कि कोशिश करें लाइफ में से स्ट्रेसेस को, नेगेटिव चीज़ों को निकाल दें, क्योंकि जब आप ज़्यादा सोचते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, आप कितनी ही अच्छी डाइट कर लें आपका वजन कम नहीं होता, और अगर आप स्ट्रेस नहीं लेते तो बगैर डाइट के भी वजन कम होना शुरू हो जाता है सिर्फ थोड़ी सी एहतियात करने से। तो नंबर 6 हो गई, नंबर 5 हो गई। नंबर 4 पे चलते हैं। नंबर 4 है, अपनी डाइट में आप प्रोटीन बढ़ा दें। अच्छा, प्रोटीन कैसे बढ़ेगा फिर आप समझेंगे, अलग से खाना बनाने की बात हो रही है तो अलग से खाना बनाने की बात नहीं हो रही। कोशिश करें कि दोपहर के खाने में आप जैसे कभी कभार चने खा लें, सही है। चने अगर आप नहीं खा सकते, आपके घर में मिसाल के तौर पर अगर चिकन बनी है तो आप उस मल्टीग्रेन आटे की चपाती को चिकन से खाएं, लेकिन कोशिश करें शोरबा ज़्यादा ना लें, बोटियाँ ज़्यादा लें, तो किसी भी किस्म की चिकन बनी है चल जाएगा, बोटियाँ ज़्यादा लें। नंबर 4 बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है, इस पर अगर आपने अमल कर लिया, प्रोटीन बढ़ा दिया, तो आने वाली 3 टिप्स जो है ना वो आपका वजन और तेज़ी से कम करेंगी, और अगर इस पर आप अमल नहीं करेंगे तो थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि प्रोटीन का ये फ़ायदा होता है, मैं आपको बताता भी हूँ किस चीज़ों में मिलता है। चिकन, फिश, दालें, चने, इन चीज़ों में प्रोटीन मिलता है। अगर ये रूखा आप खा लेंगे ना, कम रोटी से या रोटी के साथ, बगैर शोरबा, बगैर ऑयल के, तो आपका वजन तेज़ी से कम होगा, क्योंकि बॉडी को इसको हजम करने के लिए भी कैलोरी बर्न करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, प्रोटीन स्लो हजम होता है, सही है। और अगर आपने नाश्ते में प्रोटीन ले लिया, मिसाल के तौर पर अंडों का नाश्ता कर लिया, तो आपका वजन बहुत तेज़ी से कम होता है। नंबर 3 पे चलो जी। नंबर 3 एक बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है, वो ये है कि खाना एतदाल पसंदी से और स्लो खाया करें। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक हदीस का मफहूम बताता हूँ, अल्लाह कभी पेशी माफ़ करे। हदीस का मफहूम ये है कि आपके मैदे के 3 हिस्से हैं, एक हवा का, एक पानी का और एक खाने का, ठीक है। जब आप 1 गिलास पानी मेरे कहने से पी रहे हैं आप हर खाने से पहले, तो उसके बाद खाना इतना खाएं कि हवा का हिस्सा बाकी रह जाए, ठीक है। इस नंबर 3 अगर टिप पे आपने अमल कर लिया ना, आपका वजन यूं कम होगा, आपको अंदाजा नहीं होगा कितनी तेजी से वजन कम होगा। आखिरी की जो 2 है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। नंबर 2 टिप है कि आपने क्या करना है, आपने ग्रीन टी का या माचा टी का इस्तेमाल लाजमी करना है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करती है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर के केमिकल रिएक्शंस,
जब मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है ना तो आपका वजन ज्यादा तेजी से कम होता है, लकड़ पत्थर सा वजन होता है। तो ग्रीन टी का इस्तेमाल करें, माचा ग्रीन टी प्योरेस्ट फॉर्म होती है ग्रीन टी की, मतलब माचा ग्रीन टी के एक चुटकी पाउडर जो एक कप में आप पीते हैं उसमें तकरीबन 10 ग्रीन टी के कप के बराबर एनर्जी होती है। तो आप ग्रीन टी या माचा ग्रीन टी का इस्तेमाल करें, किसी भी वेट लॉस टी का इस्तेमाल करें जो कि हर्बल है, नेचुरल है। ये ना कीजिएगा कि कोई ब्रांड बना के बेच रहा है, चार पांच चीजें डाल रहा है, इंग्रीडियंट भी नहीं लिखे हुए और बस ऐड लगा के प्रमोट कर रहा है, वो ना पीजिएगा। ठीक है, ऑर्गेनिक रियल ग्रीन टी का इस्तेमाल करें, मैं तो कहता हूँ माचा टी का इस्तेमाल करें। अब आ जाते हैं नंबर वन और सबसे इम्पोर्टेंट नंबर वन टिप, ये है कि आप कोशिश करें कि आप जो खाना जिस ऑयल में बनाते हैं ना, अगर पूरे घर वाले नहीं माने, अपने लिए अलग नहीं बना सकते तो इस टिप को भले छोड़ दें, लेकिन कोशिश करें कि आप कुकिंग ऑयल को चेंज कर दें सरसों के तेल में या फिर कोकोनट ऑयल में या फिर ऑलिव ऑयल में। अगर ये तीन में से कोई ऑयल आपने ले लिया ना, आप यकीन करें आपका वजन तेजी से कम होगा। और फैट ना छोड़ें, गुड फैट्स लिया करें, जैसे कि ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल किया करें अपने लिए। साथ में एक और एक्स्ट्रा टिप बता देता हूँ, फूड जर्नल बना लें कि हर चीज लिखा करें आज मैंने क्या खाई है। जब एक हफ्ते में आप देखेंगे ना, आपको पता चलेगा मेरा वजन कम होने वाला है या बढ़ने वाला है, मैंने किस तरह का खाना खाया। इन बातों पे अमल करें, आपसे अगर डाइट नहीं होती, एक्सरसाइज नहीं होती, कोशिश करें कि छोटे मोटे काम जो होते हैं जैसे कि मोबाइल इस्तेमाल करते हुए आप बेड पे लेटे ना रहे, ड्रामे देखते हुए हल्की फुल्की वॉक कर लें, ये काम कर लें, देखें आपका वजन कितनी तेजी से कम होगा। आप मुझे दुआएं देंगे। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए।